फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर संजीव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिस्टी कार, भोपाल। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक्सटेंशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट एंड सम बेसिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बार्स, टू एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बार्स। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ ए टेपर बार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Bars are in series and parallel and compound bars. Extension of the taper bar, one of the most important derivation of this unit. I have one taper bar, that is M, F, G, N, and a small strip S, T, U, V have thickness D, X at the distance of X from the fixed end, that is M, N. And at the free end, load P have diameter small d1, and at the fixed end diameter, that is d2. Small strip STUB have diameter small d. From two similar triangles, according to from two similar triangle, at the fixed end diameter d2 minus d1 upon 2, आपका ये section में जो आपका diameter होगा, means अगर आपका इस section का हमने अगर small k लिया एंड हाइट जो लिया स्मॉल के, डिस्टेंस लिया स्मॉल एक्स, और इस जोन के लिए आपका अगर बात करें तो हमारा जो डायमीटर हो जाएगा डी टू माइनस डी वन अपॉन टू, और आपका जो लेंथ हो जाएगा दैट इज कैपिटल एल। उस कंडीशन में स्मॉल के इजकल टू डी टू माइनस डी वन इंटू एक्स अपॉन टू एल। अगर आपका डायमीटर डी निकालना हो तो डी दैट इज, अगर इस सेक्शन का ये वैल्यू आपका, ये डिस्टेंस आपका के है तो डी हो जाएगा दैट इज टू के, डी टू माइनस टू के, तो डायमीटर डी इक्वल टू डी टू माइनस टू के। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें के की, डी टू माइनस डी वन इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एल। तो यहाँ से हमने सेम, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस ये वैल्यू क्लियर होने चाहिए कि वैल्यू फाइंड हमने कैसे किया। देन तो स्मॉल डायमीटर ऑफ द बार फॉर स्मॉल स्ट्रिप के लिए डी इक्वल टू डी टू माइनस डी वन इंटू एक्स अपॉन एल, दैट इज डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। तो एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू पाई बाय फोर स्मॉल डी स्क्वायर, डी की वैल्यू पुट कर दिया तो ये पाई बाय फोर ब्रैकेट्स के अंदर डी टू माइनस डी वन अपॉन कैपिटल एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। स्ट्रेस इन द बार, लोड आपका पी जो है एंड पे लगा हुआ है, तो जो आपका स्ट्रेस इस कंडीशन के लिए सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। स्मॉल स्ट्रिप का जो आपका इलांगेशन या एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, डेल एक्स एक्स इक्वल टू पी डी एक्स अपॉन ए ई। वी नो दैट कि अगर आपका इलांगेशन का फॉर्मूला हमने इसके पहले फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में, पी एल अपॉन ए ई, तो यहाँ एल की जगह हमारा जो थिकनेस कितना है डी एक्स, तो यहाँ पे एल की जगह डी एक्स हो जाएगा, पी डी एक्स अपॉन ए ई, और पी अपॉन ए दैट इज सिग्मा, पी हो जाएगा सिग्मा डी एक्स अपॉन कैपिटल ई। आपका लोड एक ही लगा हुआ है, एंड पे लगा हुआ पी, तो हर सेक्शन का जो लोड होगा हमेशा आपका इक्वल होगा। तो इस कंडीशन पी इक्वल टू सिग्मा ए, पी इक्वल टू सिग्मा ए, आपका अगर डायमीटर डी वन है उस कंडीशन के लिए सिग्मा वन ए वन, एंड इस सेक्शन का अगर आपका स्ट्रेस सिग्मा टू है, एरिया ए टू है, तो इस कंडीशन में पी इक्वल टू सिग्मा टू ए टू हो जाएगा। यदि हम सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा ए वन ए वन इसको इक्वेट करें तो सिग्मा अपॉन सिग्मा वन ए वन अपॉन ए, सिग्मा की जगह हम ले सकते हैं पी, अगर ए वन की वैल्यू पुट कर दें पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दें पाई बाय फोर डी स्क्वायर, पाई बाय फोर पाई बाय फोर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी वन अपॉन डी का होल स्क्वायर। डी वन अपॉन डी, डी वन द डायमीटर ऑफ द एंड पोर्शन, जहाँ पे आपका लोड पी लगा हुआ है उसका डायमीटर आपका डी वन है, इस सेक्शन का आपका डायमीटर आपका डी हुआ है। तो सिमिलर यहाँ पे यदि हमने टू सिमिलर ट्रेंगल लिए, एक ट्रेंगल आपका है एफ जी एच और ये दूसरा ट्रेंगल हमने लिया यू वी एच, उस कंडीशन में डी वन अपॉन डी, डी वन दैट इज हाइट ऑफ ट्रेंगल एफ जी एच डी वन, एंड हाइट ऑफ ट्रेंगल यू वी एच का अगर आपका डी है तो डी वन अपॉन डी, उस कंडीशन में लेंथ कितना है आपका स्मॉल एल, स्मॉल एल, और ये सेक्शन का आपका लेंथ हो जाएगा कैपिटल एल प्लस एल माइनस एक्स, ये टोटल डिस्टेंस है एल माइनस एक्स प्लस स्मॉल एल, तो स्मॉल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस एक्स। नाउ डी वन अपॉन डी, जहाँ पे सिग्मा वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस कंडीशन में डेल एक्स इक्वल टू सिग्मा वन
अपॉन कैपिटल ई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो एक्सटेंशन आया या एलोंगेशन आया आपका स्मॉल सेक्शन के लिए, यदि आपको पूरे टेपर बार का टेपर बार एम एफ जी एन का अगर इलांगेशन निकालना हो तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट टू जीरो टू कैपिटल एल। तो नाउ टोटल इलांगेशन डेल एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल एल सिग्मा वन अपॉन कैपिटल ई स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आफ्टर इंटीग्रेशन एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट जीरो टू एल वी फाइंड सिग्मा वन कैपिटल एल अपॉन इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल ई कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। यहाँ पे एक वैल्यू पुट कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल प्लस एल, इसकी जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डी वन अपॉन डी टू फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल। फिर हम आते हैं ट्रायंगल में जहाँ पे आपका है डी वन अपॉन डी, हमें वैल्यू पुट करना है डी वन अपॉन डी टू, डी वन अपॉन डी वन यदि ट्रायंगल एफ जी एच और दूसरा ट्रायंगल हमारा एम एन एच। D1 वन अपॉन डी ये इसका डायमीटर D1 वन अपॉन कैपिटल डी लेंथ है इस कंडीशन के लिए स्मॉल l और इसकी जगह पूछ सकते हैं स्मॉल l प्लस कैपिटल l। यहाँ पे स्मॉल l अपॉन कैपिटल l प्लस l की जगह D1 वन अपॉन डी वैल्यू पुट कर दिया। A1 वन दैट एरिया पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर, तो यहाँ पाई बाय फोर मैंने पाई बाय फोर फोर नीचे था तो हमारा ऊपर चला गया फोर पी वन d1 स्क्वायर था तो एक d1 कैंसिल हो गया तो नीचे बचा आपका d1 d2 4pl पाई e d1 d2 दैट इज टोटल इलांगेशन ऑफ द टेपर बार। और आपका स्क्वायर टेपर बार है उस कंडीशन में del l इक्वल टू जाएगा pl अपॉन d1 d2 इनटू कैपिटल e। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द जो स्ट्रेन होगा इंडिविजुअल लोड्स का हमेशा एल्जेब्रिक सम होगा। मीन्स यदि आपको कोई एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें तीन लोड्स हैं उसका लोड एक ही दिया है लेकिन तीन सेक्शन है उस कंडीशन में तीनों सेक्शन का जो स्ट्रेन होगा दैट इंडिविजुअल जो स्ट्रेन होगा टोटल आपका एल्जेब्रिक सम होगा। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे जहाँ पे नंबर लोड्स बहुत सारे आपको लगे होंगे उस कंडीशन में सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देन अगर आपको पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है उन डिफरेंट सेक्शन का हम डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे देन आपको टोटल डिफॉर्मेशन को हम ऐड कर देंगे। तो तीन कंडीशन होगा, पहला फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दूसरा कि डिफॉर्मेशन फाइंड द डिफॉर्मेशन फॉर ईच सेक्शन, देन द थर्ड में टोटल डिफॉर्मेशन में एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक बार, इस बार में आपका सेक्शन वन का लेंथ एल वन एरिया ए वन, सेक्शन टू का लेंथ L2 एरिया A2, सेक्शन थ्री का लेंथ L3 एरिया A3 और एंड पे आपका लोड P लगा हुआ है उस कंडीशन में टोटल जो आपका इलांगेशन होगा तो वो डेल एल इक्वल टू डी एल इक्वल टू डी एल वन फॉर सेक्शन वन डी एल टू फॉर सेक्शन टू डी एल थ्री फॉर सेक्शन थ्री। सिमिलर हमने एक आउट डायग्राम वैसे ही लिया है जबकि वर्टिकल सेक्शन में है एरिया A1 A2 A3 एरिया है लेंथ L1 L2 L3 है तो आपका जो स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई होता है तो पहले सेक्शन सिग्मा वन एप्सिलॉन वन इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन ई वन, एप्सिलॉन टू इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन ई, एप्सिलॉन थ्री इक्वल टू सिग्मा थ्री अपॉन ई। और आपका जो इलांगेशन होगा तो डेल एल इक्वल टू एप्सिलॉन स्ट्रेन ही होता है चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल वन सेक्शन वन के लिए, एप्सिलॉन टू इंटू एल टू एप्सिलॉन थ्री इंटू एल थ्री सेक्शन टू एंड थ्री। तो टोटल चेंज इन लेंथ इन द बार इक्वल डेल एल इक्वल टू एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री, हमने तीनों का वैल्यू पुट कर दिया पी एल वन अपॉन ए वन ई प्लस पी एल टू अपॉन ए टू ई प्लस पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई। इस सेक्शन में जो आपका लोड है तीनों सेक्शन के लिए सेम है और ई दैट इज यंग मॉडल्स भी सेम है, अगर आपका डिफरेंट यंग मॉडल्स होगा तो ई वन ई टू ई थ्री हो जाएगा, लोड आपका इस सेक्शन के लिए सेम होगा। ऐसे सिमिलर आपका यदि आपका बार कंपाउंड है उससे अगर दो सेक्शन दिए हुए हैं तो आपका जो लोड होगा दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा लेकिन स्ट्रेन जो होगा दोनों कंडीशन के लिए आपका इक्वल होगा, चाहे एप्सिलॉन वन इक्वल टू एप्सिलॉन टू एंड जो लोड है पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। कुछ ये कंडीशन है जैसे आपका बार सीरीज एंड पैरेलल है उस कंडीशन में हमें कुछ आपको मेमोराइज करनी होगी जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। अगर आपका बार सीरीज में है उस कंडीशन में जो आपका इलांगेशन होगा डिफॉर्मेशन होगा उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा, तो टोटल आपका डेल एल इक्वल टू डेल या टोटल इलांगेशन इक्वल टू ईच
elongation of the individual section, algebraic sum of the algebraic sum of the individual section, del 1 plus del 2 del plus जितने भी आपका section दिए हुए हैं। और जो load होगा, यहाँ पे हमने दो diagram दिखे हुए हैं, बस दोनों डायग्राम से एक चीज क्लियर करना है। पहला है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी थ्री इक्वल टू पी, लेकिन ये हमेशा ये कंडीशन फॉलो नहीं होता। यदि आपका बार सीरीज में है लेकिन आपका हर सेक्शन के लिए लोड है डिफरेंट है, उस कंडीशन के लिए कंडीशन होगा कि आपका जितना लेफ्ट साइड लोड हो उतना ही आपका राइट हैंड साइड भी लोड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 10 kN आपका लेफ्ट साइड, देन आपका 3 kN राइट साइड, 5 kN लेफ्ट साइड एंड 12 kN आपका राइट साइड। तो राइट साइड लोड है 12 kN, 3 kN टोटल हो गया 12 + 3 15 kN एंड लेफ्ट साइड कितने लोड हो गया 10 kN प्लस 5 kN, तो टोटल लोड कितना हो गया 10 + 5 15 kN। मींस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मींस लोड आपका हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन यदि आपका एल पे एक ही लोड लगा है, उस कंडीशन में सेक्शन जितने भी सेक्शन होंगे उस कंडीशन में जो लोड होगा आपका हमेशा इक्वल होगा। जैसे ये डायग्राम है, पी सेक्शन 1, 2 और 3 के लिए लोड आपका पी है, तो पी1 इक्वल टू पी2, पी3 इक्वल टू पी। यदि आपका बार दैट इज आपका बार पैरेलल में हो, उस कंडीशन में जो आपका स्ट्रेन होगा, जो आपका इलोंगेशन होगा, हर सेक्शन का सेम होगा, लेकिन लोड जो होगा हमेशा आपका एलजेब्रिक या क्यूमुलेटिव सम होगा। बस ये दो कंडीशन है, जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो हमेशा आपको माइंड में रखना होगा, जिससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक हमने न्यूमेरिकल लिया, एक सिंपल सा है, इसके एंड पे लोड 60 kN लगा हुआ है, दैट 60 kN, इसको हम चेंज कर सकते हैं 60 × 10³ N। आपका एंड सेक्शन का डायमीटर कितना है 50 mm, दोनों डायमीटर आपका सेम है, टोटल लेंथ आपका है 250 mm। मिडिल सेक्शन का डायमीटर स्मॉल डी और लेंथ आपका स्मॉल एक्स, आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन, तो डायमीटर डी और लेंथ एक्स फाइंड करना है। और मिडिल पोर्शन का जो स्ट्रेस दिया हुआ है दैट 120 N/mm², जब आपको मिडिल पोर्शन का स्ट्रेस दिया है दैट सिग्मा इक्वल टू 120 एंड वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, पी मतलब आपका लोड, ए आपका एरिया, ए इक्वल टू पाई ऑफ 4 D², तो हमने वैल्यू पुट कर दिया तो हमें डायमीटर मिल गया डी इक्वल टू 25.23 mm। तो लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन, तो हम पहले स्ट्रेस निकाल लेंगे, एंड पोर्शन में स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा डैश इक्वल टू 60 / π/4 D², सेक्शन का डायमीटर था 50, हमने वैल्यू पुट कर दिया 50 mm की जगह, तो हमें सिग्मा डैश मिल गया 30.56 N/mm². वी नो दैट टोटल इलांगेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 0.12 mm, तो इलांगेशन टोटल इलांगेशन कितना हो जाएगा, इलांगेशन ऑफ द एंड पोर्शन प्लस इलांगेशन ऑफ द मिडिल पोर्शन इक्वल टू 0.12। हमने इलांगेशन दैट इज सिग्मा एल अपॉन ई फार्मूला हो गया, सिग्मा आपको दिया हुआ है 30.56, एल हो गया टोटल लेंथ बार का 250, मिडिल पोर्शन का एक्स, तो एंड पोर्शन का 250 माइनस एक्स, यहाँ पे होगा 250 माइनस एक्स अपॉन ई की वैल्यू पुट कर दिया प्लस 120 एक्स, मिडिल पोर्शन का लेंथ एक्स, 2 × 10⁵ आपका ई की वैल्यू दिया, टोटल इलांगेशन कितना 0.12, इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आए 182.92 mm, दैट लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन। नाउ इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल बार्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।